हेलो दोस्तों, अमृता किचन में आप सबका एक नई वीडियो पे फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन से बिल्कुल नए रेसिपी। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा, बैंगन भरवा बैंगन की सब्जी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ली हूँ मैं बैंगन, 2 मिर्चा, लहसुन, 2 प्याज, टमाटर, और मैंने कुछ खड़ा मसाला लिया है जिसमें इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग, काली मिर्च, जीरा, तेज दालचीनी और सारे मसाले हैं। आइए हम बैंगन लिए हूँ। सबसे पहले बैंगन को मैं ऐसे बीच से कट लगाऊंगी ऐसे, और बीच से ऐसे चाकू से इसे धीरे धीरे इसके बीच का पार्ट जो है ना इसे निकाल लूंगी, जिससे सब्जी बनाने में भरवा आसान होगा। मसाले ऐसे अच्छे से भर जाएंगे। ऐसे मैं सारे बैंगन काट ली हूँ। हमें पैन में तेल गरम करती हूँ, तेल को अच्छे से गरम होने देती हूँ। देखिए तेल गरम हो गया, इसमें ऐड करती हूँ जीरा। जीरा को 1 मिनट फ्राई करती हूँ कलर चेंज होने तक। अब इसमें ऐड करूँगी मैं लहसुन, मिर्चा बारीक कटा हुआ, लहसुन मिर्चा को मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी इसका कलर चेंज होने तक। देखिए कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें ऐड करती हूँ बारीक कटा प्याज, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको ऐसे लगातार चलाती रहूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद प्याज को अच्छे से फ्राई करूँगी, इसको कवर करके। एक बार इसको फिर से मिक्स कर लेती हूँ। प्याज को हम ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, और ऐड करूँगी मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अब ऐड करूँगी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से बहुत टेस्टी होगा, आप भी ज़रूर यूज कीजिए। और ये ऐड डालूँगी मैं जो खड़ा गरम मसाले मैंने उसको पीस ली थी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करूँगी जिससे प्याज मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट तक इसको कवर करके फ्राई करूंगी। हो देखिए इसको फिर से मैं 2 मिनट लगभग हो गए हैं, एकदम स्लो फ्लेम पे किया था मैंने। इसको मैं चला लेती हूँ। अभी लगभग पूरा अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें से मैं थोड़े मसाले निकाल लेती हूँ बाहर। इसको मैं बैंगन में भरूंगी। देखिए जो ये मसाले हैं इसको इस बैंगन में अच्छे से भरूंगी। और थोड़े मसाले अब इसमें रह गए हैं, अब इसी में ऐड कर लूंगी मैं टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छे बराबर ही चलाती रहूँगी और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक ये टमाटर अच्छे से गल ना जाए। सेम इसका मसाले बहुत अच्छे से तैयार होगा जब तक ये टमाटर गलेगा नहीं। जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक मैं बैंगन में मसाले ऐसे स्पून से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको
बराबर से भरूंगी। देखिए ये बनाना बहुत आसान है, आप भी ट्राई कीजिए, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। ऐसे ही मैं सारे बैंगन को भर लेती हूँ। अब मसाले देखती हूँ। देखिए बैंगन लगभग गल गया है, अब इसको मैं ऐसे स्पून से ऐसे मसल मसल के थामूंगी जिससे ये अच्छे से टमाटर मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करूंगी, आप स्वाद अनुसार ही ऐड करें क्योंकि मैं पहले भी ऐड कर रखी थी कुछ मसाले में। इसमें मैं ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहे तो तीखा पसंद है तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। मैं इसको अच्छे से ऐसे फ्राई करूँगी, इस मसाले को भी कम से कम 2 से 3 मिनट में फ्राई करूँगी कवर करके। देखिए 3 मिनट लगभग हो गए हैं, एकदम स्लो फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ, इससे क्या है ना कि अच्छे से फ्राई होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लेती हूँ, मसाले पक जाएंगे अच्छे से पानी ऐड करने से। पानी ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कसूरी मेथी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं कम से कम 2 से 3 मिनट फिर से मैं मीडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी जिससे अच्छे से मसाला पक जाए। इसको मैं कवर कर लेती हूँ। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मसाले लगभग पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूंगी, पानी ऐड करने के बाद ये मैंने बैंगन को इसी में ऐसे डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसको ना कवर करके 10 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी जिससे अच्छे से बैंगन पक जाए और मसाले के साथ साथ बैंगन भी अच्छे से पक जाए। देखिए अब इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। ये 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए बैंगन लगभग पक चुके हैं, इसको मैं दूसरे साइड तक ऐसे मैं पलट लेती हूँ आसानी से। देखिए स्लो फ्लेम पे पका है तो मसाले मतलब चिपके भी नहीं है, अगर हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो पूरा मसाले चिपक जाएंगे ऐसे ही। देखिए अब इसको मैं फिर कवर करके ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट और इसको मैं पकाऊंगी, कवर कर देती हूँ। वाह देखिए पूरी अच्छी तरह से बैंगन भी मसाले भी पक गए हैं, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है, प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए।